बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो आज के इस वीडियो के अंदर जनरल और स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं, जो एग्जाम्स के लिए भी ना सिर्फ इम्पॉर्टेंट है बल्कि वाइवा में भी आपके काफ़ी काम आ सकते हैं, और इनसे आप थोड़ा सा माइक्रोबायोलॉजी का क्विक रिवीजन ले सकते हैं। तो बैक्टीरियोलॉजी के अंदर स्पेशल भी है और जनरल भी है, तो दोनों को कवर कर लेंगे। आपको पता है कि जो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं, इसके अंदर पैरासाइट और कुछ बैक्टीरिया, कौन कौन से बैक्टीरिया ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैथोजन होते हैं, उसमें रिकेट्सिया और क्लैमिडिया का नाम आता है। लेकिन ऐसा ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म जो पाम और सोल की स्किन के ऊपर रैशेज प्रोड्यूस करेगा, तो वो रिकेट्सिया होता है। ओके, रिकेट्सी पाम और सोल की स्किन के ऊपर रैशेस प्रोड्यूस करता है। इसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर जो हम सीरोलॉजिकल टेस्ट यूज करते हैं, उसका नाम है व्हील फेलिक्स टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर एंटीबॉडीज बनती है जो कि प्रोटीएस वुलगैरिस के एंटीजन के साथ क्रॉस रिएक्ट कर जाती है। असल में हम प्रोटीएस वुलगैरिस के एंटीजन अप्लाई करते हैं फॉर चेकिंग ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट रिकेट्सी। अब वो कौन सा बैक्टीरियल सेल वाल है जिसकी सेल वाल के अंदर म्यूरामिक एसिड नहीं होता, तो वो क्लैमिडिया होता है। और वो कौन सा बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वाल ही नहीं होती, तो वो माइकोप्लाज्मा होता है। ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज होती है, उसके अंदर भी नाम क्लैमिडिया आता है। और इसके अलावा आपको ये पता है कि वायरसेस में भी साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज होती है, जो कि हर्पीस वायरस में कॉमन होती है, लाइक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, साइटोमेगालो वायरस। ओके, वैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस हर्पीस नहीं है। जैरिश हैग्जीमर रिएक्शन, ये ट्रिपोनीमा पैलिडम के अंदर देखने को मिलता है। असल में जब पेनिसिलिन को ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं ना, तो फिर जो ट्रिपोनीमा पैलिडम के कुछ फ्लूड फील्ड वेजिकल्स होते हैं, सिस्ट होती है, वो रप्चर होना शुरू हो जाते हैं और सीवियर एनाफालैक्टिक रिएक्शन हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं जैरिश हैग्जीमर रिएक्शन, जो कि ट्रिपोनीमा पैलिडम जो साइफिलस करवाता है, इसको डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए पेनिसिलिन देने की वजह से होता है। और इसको ट्रीट करने के लिए एस्पिरिन को यूज़ करते हैं, जैरिश हैग्जिमर रिएक्शन, क्योंकि एनाफालैक्टिक रिएक्शन होते हैं। नेक्स्ट है लाइम डिजीज। लाइम डिजीज की कंफर्मेशन टेस्ट कराने के लिए जो हम सीरोलॉजिकल टेस्ट का यूज करते हैं, उसका नाम है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। फ्राइड एग कॉलोनी, ये माइकोप्लाज्मा की होती है। ऐसी बैक्टीरियल सेल वाल, और यानी बैक्टीरिया विद नो सेल वाल, ये आना चाहिए था कि इनके सेल वाल नहीं होती, ऐसी सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी जिनके आउटर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन होती है, तो वो माइकोप्लाज्मा होता है। कोल्ड एग्लूटिनिन माइकोप्लाज्मा निमोनिया के अगेंस्ट बनती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। जो माइकोप्लाज्मा निमोनिया के लिए स्पेसिफिक टेस्ट जो होता है, तो उसको कोल्ड एग्लूटिनेशन बोलते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड कोल्ड एग्लूटिनिन, क्योंकि जो एंटीबॉडीज होती है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आरबीसी को एग्लूटिनेट कर देती है। प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट में अगर 5 मिलीमीटर की इंड्यूरेशन आती है, तो इसको हाईएस्ट रिस्क फैक्टर बोलते हैं। इसका मतलब वो बंदा एड्स का शिकार हो चुका है। माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस के अंदर कॉड फैक्टर का नाम होता है डाइमाइकोलेट ट्रीहैलोज, TNT, जिसको हम सिंपल बम धमाका भी बोल सकते हैं। ये मैक्रोफेज को डिस्ट्रॉय कर देता है बाय ब्रेकिंग NAD। पॉड डिजीज को हम वर्टिब्रल ऑस्टियोमाइलाइटिस भी बोल सकते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के सेल वॉल के अंदर माइकोलिक एसिड होता है। इसके बाद जो माइकोबैक्टीरियम है और नोकार्डिया स्टीरॉइड है, इनको एसिड फास्ट बेसिलाई भी बोलते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस स्ट्रॉन्ग एसिड फास्ट बेसिलाई है, जबकि लाप्रोसी वाला और नोकार्डिया वाला ये वीक एसिड फास्ट बेसिलाई है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का डबलिंग टाइम 18 आवर्स तक होता है। लोवेंस्टीन जेंसन मीडियम ग्रीन होता है ड्यू टू ल्यूकोमायलाजाइट, ग्रीन है। किसी एक लड़के को किसी चूहे ने काट लिया है और इनलार्ज टेंडर स्वेलन लिम्फ नोड बन गया है, तो चूहे की वजह से ताउन फैल जाता है। लिम्फ नोड की स्वेलिंग लिम्फेडिनोपैथी बोलते हैं, यर्सिनिया पेस्टिस की वजह से होती है। ग्राम नेगेटिव रॉट जो कि ADP राइबोसाइलेशन को इन्वॉल्व करते हैं, तो वो कौन से होते हैं, बॉर्डेटेला पर्टुसिस होती है। निमोनिक होता है HBL, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, बॉर्डेटेला पर्टुसिस, ल्यूजिनिला निमोफिला। ठीक है, आगे चेरी रेड एपिग्लॉटिस, ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के केस में देखने को मिलती है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको आयरन और इसके अलावा साइटोक्रोम्स चाहिए, ठीक है, तो वो ल्यूजिनिला निमोफिला होता है। विफ टेस्ट गार्डनिला वजेनालिस में पॉजिटिव होता है। विफ टेस्ट के अंदर जो रिएजेंट यूज करते हैं, वो वही रिएजेंट है जो आप डर्मेटोफाइट्स के अगेंस्ट भी यूज करते हैं, लाइक 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ऐसा बीटा हिमोलिटिक बैक्टीरिया जो मेनिनजाइटिस करवाता है और वो मोटाइल भी होता है, तो वो लिस्टेरिया है। ई कोलाई बीटा हिमोलिटिक नहीं होता, ठीक है, तो बीटा हिमोलिटिक जो मेनिनजाइटिस करवाता है और मोटाइल भी है, तो वो लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन है। लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन गार्डनिला वजेनालिस, कॉन्डिबैक्टीरियम डिफ्थेरियाई, बेसिलस और कोलोस्ट्रीडियम, इस पांचों के पांचों ग्राम पॉजिटिव रॉड होते हैं।
जो लीजोनेला सॉरी लिस्टेरिया से पहले जो थी बात वो गार्डिनेला वजाइनालिस के बारे में थी, जिनमें जिसको टेस्ट करने के लिए विफ टेस्ट यूज़ करते हैं, जिनमें 10% KOH यूज़ होता है। ओके ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं शिक टेस्ट। जो शिक टेस्ट होता है ये स्पेसिफिक होता है कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थीरियाई के लिए, क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजियंस के लिए लैक क्रैपिटस टेस्ट होता है। अगर ब्लड एगर आप करते हो, ब्लड एगर के ऊपर कॉलोनी मिलती है जिसमें डबल जोन ऑफ हिमोलिसिस है, तो डबल जोन ऑफ हिमोलिसिस स्पेसिफिक होता है क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजियंस के लिए, जो गैस गैंग्रीन करवाता है। गैस गैंग्रीन को चेक करने के लिए लैक क्रैपिटस टेस्ट करते हैं। डिप्लोपिया हो गया, क्रेनियल नर्व की वीकनेस हो गई है, तो वो क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम में देखने को मिलती है। डी ग्लूटामेट कैप्सूल, ये बैसिलस एंथ्रेक्सिस का होता है। कॉलोनीज ऑफ कॉमेट शेप, कॉमेट शेप कॉलोनीज बैसिलस एंथ्रेक्सिस की होती है। कैटलिस्ट नेगेटिव ऑर्गेनिज्म स्ट्रेप्टोकोकाई होता है। स्टाफिलोकोकस ओरियस ग्राम पॉजिटिव भी होता है, हाँ ग्राम पॉजिटिव होता है, कॉगलेस पॉजिटिव भी होता है, कैटालेस पॉजिटिव भी होता है, बीटा हेमोलाइटिक भी होता है। स्टाफिलोकोकस एपिडर्मिडस नीवो बायोसिन सेंसिटिव होता है, सेप्रोफाइटिकस नीवो बायोसिन रेजिस्टेंट होता है। एंटीरोकोकाई सोडियम क्लोराइड वाली पे ग्रो होता है, लेकिन ये पेनिसिलिन जी रेजिस्टेंट होता है। नॉन एंटीरोकोकाई पेनिसिलिन जी सेंसिटिव होते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस नेमोनियाई बाइल सालोबल होता है, ठीक है, जबकि जो विरेडियन वाले होते हैं बाइल इनसालोबल होते हैं। ये ऑप्टोजन सेंसिटिव होता है, ऑप्टोजन इनसेंसिटिव होते हैं, ठीक है। जो लैक्टोज फर्मेंटेशन करने वाले 3 बैक्टीरिया होते हैं, क्लैप्सेला ईकुलाई एंटीरोबैक्टर, यूरियस पॉजिटिव वाले ऑर्गेनिज्म क्लैप्सेला प्रोटीएस एंड हेलिकोबैक्टर पायलोरी, इन तीनों को याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटाइल बैक्टीरिया ईकुलाई है, वेब्रियो कॉलेरा और प्रोटीएज है। प्रोटीएज की स्वार्मिंग मोटिलिटी होती है, वही चीज़ आ गई है कि यूरियस पॉजिटिव भी था, प्रोटीएज स्वार्मिंग मोटिलिटी भी होती है ब्लड एगर के ऊपर, तो वो प्रोटीएज आता है। ऑर्गेनिज्म ग्राम नेगेटिव है लेकिन करंट जेली स्पोटम है, तो वो क्लैप्सिला निमोनिया की निशानी है। ओके ऑर्गेनिज्म ग्राम नेगेटिव है, ऑक्सीडेज पॉजिटिव भी है, 42 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ग्रो करता है, 5% ऑक्सीजन के ऊपर ग्रो करता है, 10% कार्बन डाइऑक्साइड पे भी ग्रो करता है, कोप्रोफिलिक है, तो ये होता है कॉलिस्टिडिया सॉरी कंपाइलोबैक्टर जुजिनाई, जो हमारे नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट नहीं होता, ठीक है। और इसको ग्रो कराने के लिए हम एंटीबायोटिक सेंसिटिव मीडियम यूज़ करते हैं। ग्राम नेगेटिव रॉड है, ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, मोटाइल भी है। मोटाइल हमने 3 बैक्टीरिया पढ़े थे, ई कोलाई प्रोटीएस और विब्रियो कॉलेरा। जो विब्रियो कॉलेरा शुगर फर्मेंटेशन भी, सुक्रोस फर्मेंटर भी है, ठीक है, तो ये विब्रियो कॉलेरा की बात कर रहे हैं। ग्राम नेगेटिव रॉड है, लैक्टोज के फर्मेंटेशन करता है और मोटाइल भी है, तो वो ई कोलाई है। तो मोटिलिटी हमने तीनों की पढ़ ली है। हाँ विब्रियो कॉलेरा में हमने सुक्रोज ऐड कर देना है, ठीक है, और जो प्रोटीएज में स्वाबिंग मोटिलिटी है ब्लड एगर के ऊपर, और इसमें सिंपल मोटाइल ऐड कर दो लैक्टोज की फर्मेंटेशन भी, तो ये ई कोलाई बन जाएगा। ग्राम नेगेटिव है, जो H2S प्रोड्यूस करते गए, मोटाइल भी होते हैं, ठीक है, मोटाइल भी होते हैं। तो H2S प्रोड्यूस करने वाले कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होती है सालमोनेला और दूसरा आई थिंक प्रोटीएज होता है, ठीक है, ओके। जबकि नॉन मोटाइल है और लैक्टोज की फर्मेंटेशन भी नहीं करता, और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि H2S को प्रोड्यूस नहीं करता, तो वो शिगेला होता है, यानी शिगेला नॉन मोटाइल है जबकि सालमोनेला मोटाइल होते हैं। फीवर है, कॉन्स्टिपेशन भी है, और एब्डोमन के ऊपर रोज स्पॉट्स आना शुरू हो गया है, तो रोज स्पॉट्स सालमोनेला टाइफी के केस में देखने को मिलते हैं। ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, ईओसिन मिथाइलिन ब्लू एगर के ऊपर कलरलेस कॉलोनी देखने को मिल रही है, मतलब नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है। ब्लू ग्रीन पिगमेंट है, तो वो सूडोमोनास की बात कर रहे हैं, ओके। जो कैप्सूल होता है, अब यहाँ पे अब थोड़ा सा जनरल बैक्टीरियोलॉजी की बातें शुरू कर रहे हैं। कैप्सूल की नेचर पॉलीसेकेराइड होती है, पिलाई पिलाई पिलिन प्रोटीन से बना हुआ होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइपो प्रोटीन से बनी हुई होती है, एंडोटॉक्सिन लाइपो पॉलीसेकेराइड से बना हुआ होता है, ऐसे ही कंपोजिशन बता रही है। एक्सोटॉक्सिन पॉलीपेप्टाइड के ऊपर मुश्तमिल होता है, एंडोटॉक्सिन लाइपो पॉलीसेकेराइड होता है, ग्लाइकोकैलिक्स भी पॉलीसेकेराइड होता है, कैप्सूल भी पॉलीसेकेराइड होता है। बैक्टीरिया जो कि पुअर रेड स्टेन को अपटेक करते हैं, तो वो लीजोनेला निमोफिला होता है, जो रेड स्टेन को अपटेक बहुत पुअर करता है, हमें काउंटर स्टेन को बढ़ाना पड़ता है। काउंटर स्टेन कौन सी होती है, सेफ्रानिन होती है। HBL निमोनिक बताया था ग्राम नेगेटिव वाला, और ग्राम नेगेटिव ही काउंटर स्टेन को ले लेते हैं। बीटा लैक्टेमेस पेरिप्लाज्मिक स्पेस के अंदर मौजूद होता है। मीजोजोम का फंक्शन क्या है, मीजोजोम सिक्रीशन और डिवीजन करते हैं। एंटीबायोटिक लॉग फेज के अंदर सबसे अच्छे तरीके से काम करती है, हाईएस्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटी लैग फेज के अंदर होती है, जबकि लॉग में डिवाइड करते हैं। बैक्टीरिया सेल आफ्टर 6 डिवीजन, तो वो 64 बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर देते हैं, कैसे, 1 से 2, 2 से 4, ठीक है, फिर 4 से 16 हो जाएगा, नहीं 16 नहीं, नहीं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 और 32 से 64, ठीक है, 6 डिवीजन की बात यह हो जाएगा। लार्जेस्ट फ्लोरा ऑफ कोलोन, सबसे ज्यादा जो होते हैं वो बैक्टीरियॉइड फ्रेजिलस है, इसके बाद फ्यूजो बैक्टीरियम आ जाते हैं। ऐसी बैक्टीरिया जिनमें प्रोग्रामिंग रीअरेंजमेंट होती है, तो वो निजीरिया गनोरिया और ट्राइपैनोसोमा ब्रुसाई है, वैसे बैक्टीरिया नहीं है ट्राइपैनोसोमा।
हैंड वॉशिंग एलिमिनेट्स रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बाय स्टाफिलोकोकस एपिडर्माइडस, ओके, क्योंकि स्किन के ऊपर पड़ा हुआ होता है, नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट भी होता है हमारी स्किन का, ठीक है। एंडोकार्डाइटिस शो विरिडियन ग्रुप, तो ये इसका जो मेन सोर्स होता है विरिडियन वाला, जो एंडोकार्डाइटिस करवा देता है, तो वो थ्रॉट के अंदर होता है, ओके, ठीक है। वी एंड डब्ल्यू प्रोटीन, ये किसका विरुलेंस फैक्टर होती है, यर्सिनिया पेस्टिस का, जो रेड से ट्रैवल करता है, लिम्फ नोड की स्वेलिंग करवा देता है, ठीक है, ओके। एक्सोटॉक्सिन है, उसको फॉर्मेल्डिहाइड से ट्रीट किया है, तो उसने इसको क्या बना दिया, टॉक्साइड में कन्वर्ट करा दिया, ठीक है, टॉक्साइड वैक्सीन में यूज करते गए। लेसिथिनेज कोलेस्टोडियम परफ्रेंजिस प्रोड्यूस करता है, गैस गैंग्रीन वाला, ओके। और कोलेस्टोडियम परफ्रेंजिस के बारे में एक और बात भी थी, डबल जोन ऑफ हिमोलिसिस, फेलियर ऑफ फेगोलाइसोसोम फंक्शन, अगर फेगोलाइसोसोम की फॉर्मेशन नहीं हो पा रही तो चियाडिक हिकाशे सिंड्रोम हो जाएगा, वैसे ये इम्यूनो का क्वेश्चन है। एग योक अगर, योक अगर है, ये कोलेस्टोडियम परफ्रेंजिस के लिए यूज होता है। अटिलोराइड मीडियम कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थीरियाई के यूज होता है। क्लोरामफेनिकोल के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होती है, वर्सेटाइलेशन के जरिए होती है। एरिथ्रोमाइसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस मिथाइलेशन के जरिए होती है। टेट्रासाइक्लिन में इफ्लक्स पंप के जरिए होती है, जबकि अमाइनोग्लाइकोसाइड के केस में ग्रुप ट्रांसफरेज होते हैं। स्टीरिलाइजेशन जो हीट सेंसिटिव मटीरियल की होती है, वो इथाइलिन ऑक्साइड से होती है। फॉर्मेल्डिहाइड वाटर के अंदर 37% होता है, ठीक हो गया, ओके। हैमबर्गर खाने से ई कोलाई हो जाएगा। विंसिट एंजाइना फ्यूजन बैक्टीरियम की वजह से होता है, ओके, ठीक है। कैप्सूल यूज्ड, ओके, कैप्सूल किन किन वैक्सीन के अंदर कैप्सूल इस्तेमाल होता है, ठीक है, ओके। वैसे वैक्सीन के क्वेश्चन आना शुरू हो गया है। तो जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इस केस में जो कैप्सूल होता है ये इम्यूनोजन के तौर पर इस्तेमाल होता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, साल्मोनेला टाइफी या नेजेरिया मेनिनजाइटिस, जो टॉक्साइड है डिफ्थीरिया पर्टियोसिस और टाइटनस के अंदर इस्तेमाल होता है। प्रोटीन एंथ्रेक्स और पर्टियोसिस में इस्तेमाल होता है। लाइव बैक्टीरिया बैसिलस कालमेटिक ग्यूरिन वैक्सीन के अंदर, जो टीबी की वैक्सीन होती है। किल्ड बैक्टीरिया कॉलरा यर्सिनिया में इस्तेमाल होते हैं, इसको छोड़ो आप। स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से कूलिंग रिएक्शन हो जाएगा। लिस्टेरिया में टम्बलिंग मोर्टिलिटी है। कॉन्जुगेटेड वैक्सीन वगैरह, ठीक है, ये स्ट्रेप्टोकोकस नमोनियाई, नेजेरिया मेनिनजाइटिस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इसका निमोनिक होता है शिन। फैक्टर एच बाइंड करता है ग्रुप बी मेनिंजोकोकल को, ठीक है, तो ग्रुप बी मेनिंजोकोकल रट्टा मार लेना, ये वैक्सीन जिसकी इसमें काम आती है। कोलेस्टेडियम कैंड फूड के अंदर काफी अबंडेंट होता है। विब्रियो पैराहिमोलाइटिकस सी फूड के अंदर होता है। आईजीए प्रोटीएस प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, तो इसमें भी निमोनिक वही है शिन वाला, क्योंकि तीनों के तीनों कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन, ठीक है, तो ये प्रोड्यूस करता है स्ट्रेप्टोलाइसिन एंड स्ट्रेप्टोकाइनेस, ठीक है, और स्ट्रेप्टोकाइनेस हम यूज करते हैं इन द फार्माकोलॉजी। ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जिसको, जो स्टेन पर्पल लेते हैं, क्यों, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकिन लेयर की वजह से। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉजिंग ऑर्गेनिज्म क्रैप्सिला सुडोमोनास प्रोटीएस और इसके अलावा स्टाफिलोकोकस सेप्रोफाइटिकस, ओके। ई कोलाई ट्रैवलर डायरिया करवाता है। ट्रिपोनिमा पैलिडम साइफिलस करवाता है, ओके, तो इसका निमोनिक होता है KPPS, ठीक है। डिफ्थेरिया टॉक्सिन एलंगेशन फैक्टर 2 पे जाके बाइंड करता है। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई ओटाइटिस मीडिया करवा सकता है, मेनिनजाइटिस करवा सकता है, निमोनिया करवाता है, साइनोसाइटिस करवा सकता है। कैटलेस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है स्टाफिलोकोकस ऑरियस है। सुडोमोनास कैटलेस पॉजिटिव होता है, एंटीरोबैक्टर भी कैटलेस पॉजिटिव होता है। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया बता चुका, ओटाइटिस मीडिया मेनिनजाइटिस और निमोनिया साइनोसाइटिस करवा सकता है। सॉरी, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ब्रेन इन्वॉल्वमेंट है। ऐसा बैक्टीरिया जो फूड पॉइजनिंग करवाता है, तो वो बैसिलस सीरियस है। कोलेस्टेडियम सॉरी कैंपेलोबैक्टर जुजिनाई है। कोलेस्टेडियम बॉटुलिनम है, ये भी फूड पॉइजनिंग करवाता है। परफिरिंजिस है, ये भी फूड पॉइजनिंग करवाते हैं, इनको रट्टा मार लेना। टर्शियरी साइफिलस के केस में गुम्मास बनना शुरू हो जाते हैं, जो ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन की मॉडिफाइड फॉर्म होती है। कैटलेस और कॉगलेस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म स्टाफिलोकोकस ओरियस होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के पास माइकोलिक एसिड होता है। मेनिनजाइटिस को हम देखते होते हैं, अगर हम लंबर पंक्चर परफॉर्म करते हैं, तो इस केस में पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर सेल देखने को मिलेंगे। नोकार्डिया वीकली एसिड फास्ट होता है। नियासिन पॉजिटिव माइकोबैक्टीरियम होता है। कोलेस्टेडियम परफिरिंजिस गैस गैंग्रीन करवाता है। कोलेस्टेडियम डिफिसिल सुडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस करवा सकता है। बोरेलिया रिकरेंटिस रिलैप्सिंग फीवर करवाता है। साल्मोनेला के केस में ब्लड स्टूल और यूरिन कल्चर में वायरल टेस्ट पॉजिटिव आएगा, ठीक हो गया। जो विरिडियन ग्रुप होता है स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियन वाला, तो ये ऑप्टोजन रेजिस्टेंट होता है, बाइलियन सालोबल होता है, जबकि स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया इसका ऑपोजिट होता है। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन के केस में डीक टेस्ट करते हैं। माइकोबैक्टीरियम सक्रोफिलियोसम है, डार्क और लाइट पिगमेंटेड होता है, स्लो ग्रोथ रेट होता है। स्टाफिलोकोकस ओरियस कॉजेस टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, एक्यूट एंडोकार्डाइटिस, स्किन इन्फेक्शन, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, निमोनिया। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये इसको ग्रोथ के
लिए दो फैक्टर चाहिए, फैक्टर 5 एंड फैक्टर 10, ठीक है। और नेजेरिया गोनोरिया ये ग्लूकोज फर्मेंटर होता है, जबकि मेनिनजाइटिस ग्लूकोज और ग्लूकोज और माल्टोज दोनों की फर्मेंटेशन करता है। अगर आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे हैं और इनकी आपको रिवीजन भी हो गई है तो प्लीज़ एक अदद लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।